तो चलिए नमस्कार किसान भाइयों, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर और बजट को लेकर एक खास खबर सामने निकल कर आ रही है। तो भाई अगर आप किसान हो तो यार पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए किसान भाइयों, खबरें सामने निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार की तरफ से बजट में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। किसान भाइयों, आगामी बजट पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी खबरें सामने निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने का फैसला हो सकता है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकती है। वही किसान भाइयों, आगे बताया जा रहा है की मोदी सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए महिला किसान को 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक पीएम किसान सम्मान निधि से पैसा दे सकती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बताया जा रहा है कि इसका जो पेमेंट है, जो 6,000 रुपये दी जाते हैं, वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए सरकार ऐलान कर सकती है आने वाले बजट पर। तो इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है। भाई किसान भाई, आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता होगा वर्तमान में किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये दी जाती है। 2,000 रुपये का 3 बार किसानों को पेमेंट मिलता है। इस तरह से 6,000 रुपये पेमेंट दी जाती है। लेकिन इस बार किसान भाई, जिस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है आगामी बजट को लेकर कि किसानों को जो कि 9,000 रुपये कर सकती है सरकार, और वहीं महिला किसानों को 10,000 से 12,000 रुपये तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार फैसला ले सकती है। पर किसान भाइयों, जब बजट पेश होगा तभी ही पता चलेगा कि वाकई में इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है 6,000, वो बढ़ता है या नहीं। वैसे इसको लेकर किसान भाइयों, आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार हो रहा है भी नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। किसान भाइयों, एक किसान की नज़रिए से देखें तो खाद बीज कीटनाशक सबके दाम बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से सरकार से भी हमारा यह अनुरोध रहेगा कि किसानों का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पेमेंट दी जाती है उसको बढ़ाया जाए। खेती किसानी और योजना से जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। ताज़ा जानकारी ईट छत्तीसगढ़ .in वेबसाइट पर भी आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय जोहार, नमस्कार।